आम जनता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने व विपक्ष के दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के जवाब देने के लिए भाजपा द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के भेरडा बूथ पर कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आम जनता को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने व विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार के जवाब देने के लिए भाजपा द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बरेड़ा बूथ का कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान धूमल ने न सिर्फ लोगों को CAA के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई, वहीं उन्होंने लोगों को पंपलेट भी वितरित किए ताकि लोग अपने क्षेत्र के अन्य लोगों को जानकारी दे सके। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को CAA के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि नागरिक संशोधन अधिनियम लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा, न कि किसी की नागरिकता छीनेगा। उन्होंने कहा कि ये बिल 1947 में लाया गया था, जिसमें 2019 में संशोधन करके जो अल्पसंख्यक लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे थे उनको नागरिकता प्रदान करेगा, और वह भी 31 दिसंबर 2014 से पहले के लोग जो भारत देश में आ चुके हैं। आज सारे देश में जैसे कहा गया जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ कर रही है। आपको एक नंबर करना एक बैल हो जाएगी, उसके बाद वो अपने आप कर स्पोर्ट नोट हो जाएगी। वहां पे जो पर्चा आपको बांटा गया इसमें नागरिकता संशोधन विधेयक जब अधिनियम बन चुका है उसके बारे में जानकारी दी गई है। कहा जा रहा था कि आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कानून है क्या? कुछ ऐतिहासिक गलतियां हुई, जिनके कारण देश में अनेकों समस्याएं पैदा हो गई। बार बार चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक और अधिकारी बैठे हैं। जैसे 1990 से आपका वन रैंक वन पेंशन का मामला लटका हुआ, कई प्रधानमंत्री आए कई गए, एकनाथ रहे, मिलना था इसके लिए काम करने की मन में इच्छा थी तो मोदी जी के थी, और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने ऐसा करके दिखा दिया, आप सबको वन रैंक वन पेंशन मिला। कई बार हम सोचते थे कि काश हमारा देश भी इतना शक्तिशाली हो कि दुश्मन कोई गड़बड़ करे तो हम उसका जवाब दे सके उसके अंदर जाकर। दो हजार 2016 में पूरी की घटना घटी, तब मोदी ने कहा था अब भारत बदल रहा है। तो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो पाकिस्तान में रह गए थे और डेट नोट करना ध्यान से, 31 दिसंबर 2014 आजकल की बात नहीं कर रहे, 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आ गए थे
लेकिन भारत के शहरी भारत के नागरिक नहीं बन सके। संशोधन यह हुआ कि उन लोगों को जो भारत में हिंदू आ गए हैं, सिख आ गए हैं, ईसाई आ गए, जैन आ गए, बौद्ध आ गए, पारसी आ गए, जो बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान में माइनॉरिटी में थे, अफगानिस्तान में माइनॉरिटी थे, जहां की मुसलमान आबादी उनको तंग कर रही थी, वो हिंदुस्तान आ गए तो हिंदू को और कहां जाएगा। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गया उसको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। यह कानून लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए तो कानून बन गया। उसके बाद कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने विरोध शुरू कर दिया। विरोध क्या है? वो विरोध इस बात का कर रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर पाकिस्तान आपने उनको दे दिया, बांग्लादेश में दे दिया, अफगानिस्तान उनके पास है, तो मुसलमान को वहां के खतरा। तो तीनों ने अपना धर्म ही राष्ट्रीय धर्म उन्होंने मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है कि मुस्लिम धर्म हमारा सरकारी धर्म है, तो मुसलमानों को तो पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, बांग्लादेश में खतरा नहीं है, अफगानिस्तान में खतरा। खतरा किसको है? खतरा है हिंदू को, खतरा है सिख को, खतरा है ईसाई को, खतरा है पारसी को, खतरा है बौद्ध को, जैन को। धूमल ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्ष और कांग्रेस मिलकर इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दायित्व है कि वे पूरे देश में लोगों को घर घर जाकर इस बिल के बारे में जागरूक करें। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए जो धारा 370 को हटाया, वहीं पर राम मंदिर निर्माण का वायदा पूरा किया, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से मुस्लिम बहनों को भी मुक्ति दिलवाई। धूमल ने लोगों को याद करवाया कि देश की आजादी किसमें धर्म के आधार। कांग्रेस ने देश के विभाजन को 1947 में स्वीकार किया था और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो भी अल्पसंख्यक लोग अगर धर्म के आधार पर प्रताड़ित होते हैं तो वह भारत देश में वापस आ सकते हैं। उन्हें नागरिकता देने के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रहेगी, लेकिन पिछले कई दशकों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी निरंतर घट रही है। या तो उनसे जबरदस्त धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और ये भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वे इन तीनों देशों से आए हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर अच्छे कार्य कर रही है। वहां से निकाल देंगे, कांग्रेस कहती है हमारे लिए मुद्दा नहीं, हमारे लिए मुद्दा है कि कानून नहीं होना चाहिए तो नागरिकता दी जाए। ये बहनों भाइयों को पखवाड़ा चल रहा है, इसमें जो बांट रहे हैं आपको कागज दिए हैं, पर जिनको नहीं मिले उनको सबको मिलेगा कागज। आपने इस बात को घर घर जाके सबको समझाना है, सबको मिलकर बताना है कि पाकिस्तान में जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी खतरे में है, और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया था भारत में, उसको नागरिकता देने का, उसको भारत का शहरी बनने का हक मोदी सरकार ने दिया है। कांग्रेस और दूसरे दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो ठीक किया मोदी ने कि गलत किया? जवाहर ये जोरों ने बोला था ठीक किया कि गलत किया? तो ये बात घर घर पहुंचानी, हर आदमी तक पहुंचे ये सरकार का फैसला ठीक है। जो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जिनकी जान खतरे में है, जिनकी इज्जत खतरे में है, वो तो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान छोड़कर आते हैं तो हिंदुस्तान में उनको शरण मिलनी चाहिए। और दिल्ली में तो बहुत सारे लोग पहले रह रहे थे, आपने देखा होगा जिस दिन कानून पास हुआ उसके दूसरे दिन मजदूरों का टीला दिल्ली के रास्ते से, जब हिमाचल जाते रास्ते में आता है, वहां एक
महिला के लड़की पैदा हुई तो उसकी दादी ने उसका नाम नागरिकता रख दिया, नागरिकता कर दिया, नागरिकता। कितनी खुश की हम तो इसके लिए तड़प रहे थे। और आप और हम सोचे जरा, खुदा ना खासा भगवान ना करे हमारा कोई भाई बहन हमारा कोई रिश्तेदार वो पाकिस्तान रह गया होता, उसकी पत्नी को उसकी बहन को उसकी मां को उठाकर ले जाने का खतरा होता, उसकी इज्जत खतरा भी होती, तो क्या तब भी हम विरोध करते हैं कानून का? तब तो कहते जल्दी लाओ बचाओ इनको। आज वोट की राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बात का मुंह तोड़ इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी सुजानपुर मंडल के अध्यक्ष पीरेंद्र ठाकुर, महामंत्री अनिल शामा, पवन शर्मा मीडिया प्रभारी, विनोद ठाकुर पूर्व मंडल अध्यक्ष, सुखदेव ठाकुर उपाध्यक्ष, प्यार चंद ठाकुर ग्राम केंद्र अध्यक्ष, कृष्ण चंद देव प्रधान, कक्कड़ ज्योति ठाकुर सभी बूथों के अध्यक्ष व सैकड़ों लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे।